ओके, तो कल रात से मुझे ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि राज तुम्हें एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने रोस्ट कर दिया है, यू शुड चेक इट आउट। तो या आई एम गोइंग टू चेक आउट दिस रोस्ट। वैसे ये वीडियो है बक्कड़ ब्रो की तरफ से। Hey, y'all, come look at this. मैंने गलती से कोई रॉन्ग वीडियो तो नहीं स्टार्ट कर दिया? मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है आर यू कॉमेडी मी। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और जब तक मेरे 10,000 फॉलोवर निश्ता तब तक नेक्स्ट वीडियो भी निश्ता। अबे साले, और माशाल्लाह से मेरा थर्डे पापा के रिक्वेस्ट करना काम आ गया है, और मेरे 4,152 से फॉलोवर इंक्रीज होके 4,343 हो गए हैं। प्लीज जाके फॉलो करो, मैं लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके बक्कड़ ब्रो के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि आपके तल्ले डालते रहो लेकिन आपने फॉलो नहीं करना, और अगर गलती प्लीज जाके फॉलो कर लो। तो भाई लोग, आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने बहुत सी सीरीज शुरू की हुई हैं, जिसमें इंस्टाग्राम गॉट टैलेंट, फेसबुक गॉट टैलेंट, टिकटॉक गॉट टैलेंट है। उसी तरह आज मैं एक न्यू सीरीज का पहला एपिसोड देने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूट्यूब गॉट टैलेंट। डर लग रहा है। इसमें हम YouTube में पाए जाने वाली मोस्ट टैलेंटेड अवाम का जायजा लेंगे, और देखेंगे कि इनके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट आया कहाँ से, क्योंकि हम में तो यार इतना टैलेंट नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो आज हमने जिन टैलेंटेड लोगों पे गुफ्तगू करने के लिए उनको मुंतखब किया है, उनको रिएक्शन देने वाले लोग मुफ्तखोर या फिर कंटेंट चोर भी कहते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जी हाँ भाई लोग, आज हम रिएक्शन चैलेंज के बारे में बात करेंगे, और इस बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर इतने कामयाब कैसे हैं, क्योंकि ये कोई इतने बड़े एलेक्स भट्टी तो है नहीं कि बंदा सिर्फ इनका मुंह ही देखता जाए। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस, मेरा नाम है राज। नॉट इंटरेस्टेड, I'm not interested यार। ये बिल्कुल भी झूठ है कि not interested, क्योंकि अगर मैं किसी वीडियो में ये इंट्रो नहीं देता कि हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस, मेरा नाम है राज, और आज ये इंट्रो अगर मैंने नहीं दिया तो वीडियो का कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ रहता, राज ने इंट्रो नहीं दिया, ये वीडियो में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो मुझे भी ये इंट्रो देने का कुछ खास शौक नहीं है, बट लोगों को चाहिए यार, मेरी गलती थी है इतना बकवास सा इंट्रो। और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ डकी भाई के सेटअप टूर पे। हाँ जी, तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये पहली बार रिएक्ट कर रहा है। भाई साहब इसका चैनल खोल के देख लो, इसकी हर एक वीडियो पाकिस्तानी वीडियोस पे होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तानी कंटेंट पे रिएक्ट करना कब से रॉन्ग हो गया? कुछ क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कंटेंट पे रिएक्ट करने का? और डक्की भाई की वीडियो पे रिएक्ट करना इसको इतना पसंद है कि उसकी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिस पे इसने रिएक्शन ना दिया हो। कौन है ये लोग? अच्छा कंटेंट बनाता है डक्की भाई, कहां से आते हैं? रिएक्ट करने लायक होता। इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। डक्की की वीडियो पे ये बंदा रिएक्शन देने में इतना फास्ट है कि उसके चैनल पे वीडियो बाद में आती है और ये बंदा रिएक्शन पहले दे देता है। कोई सेंस है इस बात की? गरीब वाला फीलिंग आ रहा है देख के। बाकी सारी बातें छोड़ो यार, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आप में से तकरीबन हर बंदे ने ये वीडियो देखी होगी, तो इस सीन को देखकर आप में से किसी का भी ऐसा हादसा निकला था? मतलब नहीं। लेकिन इनका हादसा निकल गया भाई साहब, शायद इनका हादसा काफी सस्ता है, या फिर इन्होंने सोचा कि यार तकरीबन 3 मिनट हो गए ने मैं वीडियो दे विच कोई रिएक्शन नहीं दिता, चलो फिर थोड़ा जा हासी लेने आ। ही 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 ही। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। ठीक है थोड़ा इंसल्ट कर लिया यार, मेरा चेहरा ब्यूटीफुल रहेगा लेकिन इतना भी जूम मत करो, सब फ्लॉज दिखाई देंगे। यार इसमें भी मैंने ब्लैक पहना हुआ। ये क्या है? ये तो टट्टी है।
बाकी सारी की सारी वीडियो इस तरह का मुंह बना के गुजर गई और आखिर में जनाब ये लाइन बोल देते हैं, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मेक श्योर टू सपोर्ट। ये गलत है, मैं खुद का मजाक झेल सकता हूँ लेकिन दिस इज नॉट ट्रू योर ऑनर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ यार, मैं वीडियो पॉज कर करके बात करता हूँ, फिर वीडियो के एंड में आई रिमेंबर कि ये वीडियो के एंड में भी मैंने बहुत कुछ बोला था कि भाई लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, और उसके बाद वीडियो में मैंने खुद का सेटअप किया कि 15 मिनट लगे हैं वीडियो बनाने में और चुप करके लाखों व्यूज ले लिए हैं, टेंशन ही कोई नहीं, टेंशन ही लेने, और अभी बात खत्म नहीं हुई, ये बंदा फिर भी थोड़ा हा हा कर लेता है, मगर बहुत से बंदे ऐसे हैं जो पैड़ा मुंह बना के सिर्फ बैठे रहते हैं और कभी कभार तो सो भी जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इम्ब्रोज रिएक्शंस, दिस इज सैड, मुझे खुद की हंसी पे हंसी आ गया यार, इसने सच ही कहा, मेरा हंसी काफी सस्ती है वैसे। और फाइनली आज सनास बकेट ने हमें रोस्ट कर दिया है, फाइनली, वाह जी वाह, कमाल हो गया, मतलब कि ये इंतजार कर रहे थे कि इन पे रोस्ट वीडियो बनाई जाए ताकि ये उस पे भी रिएक्शन दे सके। वीडियो का जो टाइटल उन्होंने रखा है वो है रिएक्शन ऑन रिएक्शन चैनल्स सनास बकेट, तो सनास बकेट का रिएक्शन देखने वाले हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद का मजाक उड़ाते हुए देखना ठीक लग रहा था, लेकिन रेहान और साहिल सब मुझे एक्चुअली पसंद है, और रेहान तो मेरा दोस्त भी है, तो इट फील्स थोड़ा बैड कि खुद पे मजाक उड़ जाए तो भी इतना नहीं बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा मूड खराब कर दिया। वीडियो का टाइटल है कि रिएक्शन ऑन रिएक्शन चैनल, और ये बंदे उस पे भी रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब कि इनकी वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से बन जाएगा कि रिएक्टिंग ऑन रिएक्शन चैनल। और इस वीडियो पर मैंने रोस्ट रिएक्शन बना दिया, तो मेरी वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रोस्ट रिएक्शन ऑन रिएक्टिंग ऑन रिएक्शन चैनल, ऐसे ही कुछ टाइटल होने वाला है इस वीडियो का। और एक बार भाई सब इस बात को इमेजिन करो कि ये लोग मेरी इस वीडियो पे भी रिएक्शन दे दे, तो यूट्यूब ने इनका टाइटल दे के कहना है इंतहाई बोरो की। मैं यूट्यूब पे कुछ देखने के लिए ढूंढ रही थी तो मेरी नजर इस वीडियो पे पड़ी, जो कि रिएक्शन था मेरी वीडियो पे। अच्छा रिएक्शन। यहाँ पर आप लोग देखो कि तीनों बंदों के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, और दरमियान वाले की तो शर्ट तक सेम है, मतलब कि जनाब ने प्रैक्टिस की हुई है कि इस तरह का मुंह बना के रखना है, और बात खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आप इनकी पूरी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये सारी दुनिया साकन हो चुकी है, मुंजमंद हो चुकी है, मतलब कि फ्रीज हो चुकी है, नीचे वीडियो चली जा रही है, और इनके मुंह से तो भाई लोग ही भी नहीं निकला। बंदा इनसे पूछे कि भाई नो, मैं खुद के हंसी पे क्यों हंसता हूँ। वैसे मुझे एक चीज बोलना है, मुझे थोड़ा इरिटेशन होने लगा है कि रिएक्शन चैनल से इसको इतना प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सब जन रिएक्शन ही तो देते हैं यार, ये रोस्ट वाले नेगेटिव रिएक्शन देते हैं किसी और के कंटेंट पे, जैसे कि मेरे और रेहान के कंटेंट पे ये नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, हम रिएक्शन चैनल वाले पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, और सब कुछ रिएक्शन ही होता है यार ये। अभी देखो गेमिंग चैनल्स क्या करता है, कोई गेम किसी और का गेम है, वो खुद गेम थोड़ी बना रहा है, किसी और के गेम किसी और के कंटेंट पे ही वो भी रिएक्शन और खेल रहा है उसको। वैसे ही स्पोर्ट्स देख लो, स्पोर्ट्स में आप कमेंट्री के साथ क्रिकेट या फुटबॉल देखना पसंद करते हो या कमेंट्री के बिना, तो रिएक्शन चैनल वैसे ही है, कंटेंट कितना भी अच्छा हो अगर कोई उसका मज़ा बढ़ा रहा है, कोई अपना ओपिनियंस दे रहा है उसके साथ, तो वो थोड़ा ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है वीडियो, तो कमेंटेटर्स गलत है क्या? तुसी फ्री दा कंटेंट यूज कर रहे हो, तुहानू कदा सदमा लगा है, खोल डोल के हसो, अन्नी दियो, आहा बहुत चंगा ना मैं। यहाँ पर मैं आप सबको एक फ्री एडवाइस दूंगा कि लॉकडाउन ने स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, तो आपने करना कुछ ऐसा है कि एक मोबाइल अपना ले लेना है और एक घर में से उठा लेना है, okay. एक के ऊपर डक्की भाई की वीडियो लगा लेनी है और दूसरे को सामने रख के वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, okay. और चुप करके दोनों को एडिट करके आपने अपलोड कर देनी है, आपके गिन के यार 20 मिनट भी नहीं लगने और आपका कंटेंट तैयार हो गया। दिस इज ट्रू, रिएक्शन वीडियोस वन ऑफ द इजीएस्ट होता है एडिट करने के लिए भी और बनाने के लिए भी,
लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि रिएक्शन चैनल्स इजीली सक्सेसफुल हो जाता है। आप पाकिस्तान का ही देख लो, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, आई थिंक पॉपुलेशन के हिसाब से 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड स्टिल पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ऐसे रिएक्शन चैनल्स हैं जिसको कंसिस्टेंटली 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। एक तो मेरा है और एम्ब्रोस। हम दोनों के चैनल्स को छोड़ के किसी को भी कंसिस्टेंटली इतना व्यूज़ नहीं मिलता। इसका रीज़न ये है कि रिएक्शन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका रिएक्शन से एक तो एन्जॉयबल या फ़नी होना चाहिए, या फिर आप उसके ऊपर कुछ ऐड कर रहे हो। तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत एफर्ट डालता हूँ, स्पेशली रीसेंट वीडियोज़ में तो मैं आधा से ज़्यादा टाइम मैं खुद ही एंटरटेन कर रहा रहता हूँ, तो आई फील थोड़ा अनफेयर। एक दिन में 10-10 वीडियो बनाकर अपलोड करो, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपने अपनी वीडियो में इस तरह हंसना नहीं भूलना। इसी तरह काम करो, आपके 5-6 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हर वीडियो पे लाखों व्यू आएंगे और भाई साहब दांत निकालते निकालते आप लोग सेलिब्रिटी टट्टी बन जाओगे। चंगा ना मैं। मैंने भी ये फनी वीडियो बनाना छोड़ देना, क्योंकि भाई साहब इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और व्यूज मिलते कोई नहीं है, इसलिए ये काम निष्ठा चुप करके कैमरा उठाओ, रिएक्शन दिया और काम। आई एम टेलिंग यू बक्कड़ ब्रो, अगर मेरे जो रीसेंट रिएक्शंस है उसमें एक्चुअली एफर्ट लगता है, ट्राई करके देखो। मेरा जो रीसेंट जो सीरीज रहा है, हिट सीरीज, उसमें काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग के लिए। मैं आजकल नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा बनाता भी नहीं। हेट नहीं है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम कंटेंट बनाने में मेहनत कर रहे हैं और वो कंटेंट चोरी करने में। लेकिन मेहनत दोनों तरफ से हो रही है, इसलिए इनको बहुत सारा प्यार मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आपने देना तो आपकी मर्जी। तो भाई लोग यही थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वेल, इतना बुरा भी नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा रेपुटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है इस वीडियो के बाद। वैसे मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू भी जाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बट उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि सॉरी अगर मैं थोड़ा डिफेंसिव लग रहा था, मैं हर चीज़ को डिफेंड कर रहा था, तो मुझे मेरे मजाक उड़ाने से, मेरे पे अगर कोई मजाक बना रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिएक्शन चैनल्स को बहुत ज़्यादा हेट इन जनरल मिलता है, जबकि सब जन रिएक्ट ही कर रहे हैं। यार गेमिंग चैनल्स को कोई कुछ नहीं बोलता, वो खुद का गेम कोड करके बना रहे हैं क्या? नहीं, वो भी किसी और का ही कॉन्टेंट यूज़ कर रहा है। अगेन और भी एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, ये मूवी रिव्यूअर्स जो होता है वो भी दूसरे के कॉन्टेंट पे ही कॉन्टेंट बना रहा है, और भी आई एम श्योर आई कैन ब्रिंग मोर एग्जाम्पल्स। लेकिन हर कोई रिएक्ट ही करता है कि न्यूज़ चैनल्स कैसे चलता है, न्यूज़ चैनल्स में भी रिपोर्टर्स करंट इवेंट्स पे रिएक्ट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अनफेयर कि रिएक्शन चैनल्स को जितना ट्रोल किया जाता है। आई नो कि कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जिनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, तो आई गेट इट, इट्स द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट टू क्रिएट, तो आई कांट ब्लेम हिम। तो या इट वॉज फनी, और मेरा वो जो लाफ्टर का क्लिप जो यूज़ किया, दैट वॉज ऑल्सो फनी। तो या अभी देखता है कॉमेंट सेक्शन में लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, तो मैं कॉमेंट्स में आ चुका हूँ। ब्रेन चाओ रिएक्शन इज रियल, ही गिव्स ट्रू रिएक्शंस। वाह, ये टॉप कॉमेंट है, लाइक कर देता हूँ। मेरा तारीफ कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं लाइक करूँगा। आई एम एम्ब्रोस फैन, आपने दोनों की डिसरेस्पेक्ट नहीं की, ये देख कर अच्छा लगा। या उसने बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ मजाक उड़ाया। एंड सो प्लीज़ डोंट गो एंड हेट हिम और एनीथिंग, आई एम श्योर आप लोग ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई सोच रहा है जाके गाली दूंगा ये वो, मत करो, क्योंकि यार रोस्ट चैनल्स को भी तो कुछ कॉन्टेंट चाहिए। तो आई डोंट ब्लेम हिम ब्रो, ऐसे ना करो, आई एम बिग फैन ऑफ ब्रेन चाओ रिएक्शन। यार दिस इज़ सो हार्ट वार्मिंग, यार हार्ट इधर नहीं वैसे इधर होता। ब्रेन चाओ रिएक्शन इज़ बेस्ट, प्लीज़ डोंट इंसल्ट हिम, ही रेस्पेक्ट एवरी वन। I am a subscriber of both channel, but I really like Brain Chow Reactions the most. He is an extremely friendly and true person. I am a subscriber of Brain Chow Reaction and I think he is pure. Like har tarah ki video par react karta hai ye banda, and bahut se acche reaction bhi hai aur kuch videos aise bhi guzar jati. Okay, thank you. This is good. I completely agree.
आई रियली लाइक ब्रेन चाओ रिएक्शन, कम्प्लीटली एग्री, सब करेक्ट ही बोल रहा है. राज इज सो प्योर हार्टेड मैन. थैंक यू यार. राजस जैम, उनकी भी अपनी मेहनत है आपकी तरह, किसी को डिग्रेड तो नहीं करता ना, एंजॉय करवाता है. या रोस्ट कंटेंट भी अपनी जगह एंटरटेनिंग है, रिएक्शंस भी एंटरटेनिंग है. बाय द वे ब्रेन चाओ बेस्ट रिएक्शन चैनल अगेन, ग्रेट ग्रेट कॉमेंट्स. आई थिंक राज और एम्ब्रोस के रिएक्शंस जेन्युइन होता है. यस वेल आई हैव सब्सक्राइब बोथ चैनल एंड आई रियली लाइक राज फ्रॉम ब्रेन चाओ रिएक्शंस. यार रोला हो गया क्या? मुझे लगा था रोस्ट को देख के मुझे रोना आएगा, इधर मुझे होलसम कॉमेंट्स को देख के रोना आ जाएगा. राज इज़ वेरी नाइस. राज की हंसी में आपकी ज़्यादा, आपकी वीडियो से ज़्यादा चस है. आई लव टू वॉच राज रिएक्शन. डोंट ट्राई टू रोस्ट ब्रेन चाओ रिएक्शंस. मैं जब बोलता हूँ कि मेरा ऑडियंस बेस्ट है, ब्रेन चाओ रिएक्शंस का कम्युनिटी बेस्ट है, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं. ये तो हर कोई यूट्यूबर बोलता है, लेकिन दिस इज़ द प्रूफ. आप लोग सच्ची में आउट ऑफ द वे जाके, मैंने आज तक कोई भी रोस्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किसी क्रिएटर के लिए देखा नहीं है. मुझे खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत तक नहीं है. आप लोग ने मेरा काम कर दिया एंड आई एम हैप्पी टू सी. कोई भी बहुत नेगेटिव नहीं हो रहा, कोई भी बक्कड़ ब्रो के बारे में बुरा नहीं बोल रहा. मुझे डिफेंड कर रहा है बट बक्कड़ ब्रो को कुछ बुरा नहीं बोल रहा है. तो आप लोग के लिए तालियां. एंड मैं थैंक्स बोल सकता हूँ, मैंने हज़ार बार आप लोग को थैंक्स बोला, लेकिन जेन्युइनली यार आप लोग ने मेरा लाइफ चेंज किया कम्प्लीटली. मुझे खुद का हंसी पसंद नहीं था. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी लगता है मेरा हंसी बहुत ही वियर्ड है, मैं बहुत ही लाउड हंसता हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट्स सब देख के अभी रोना ना स्टार्ट कर दूँ ये सब बोलते बोलते. लेकिन आप लोग के सपोर्ट को देख के, आप लोग मेरे लाफ्टर को कितना एंजॉय करते हो ये सब देख के, मैं अभी सेल्फ कॉन्शियस नहीं हूँ खुद के लाफ्टर के बारे में. मेरे स्माइल को भी इतना पसंद किया जाता है, जबकि मैं रियल लाइफ में YouTube पे आने से पहले मैं इतना ज़्यादा स्माइल नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरा स्माइल अट्रैक्टिव नहीं है. मुझे लगता था मैं हंसूंगा तो पागल जैसा दिखता हूँ, जो शायद दिखता भी होऊंगा, शायद उसीलिए आप लोगों को एंटरटेनिंग लगता है. बट इतना प्यार आप देते हो कि मुझे खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया. तो यू हैव कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ. सिर्फ सब्सक्राइबर्स की बात नहीं है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जो लाइफ में भी खुद के बारे में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो थैंक यू अगेन एक और बार मेरे साथ खड़े रहने के लिए. एंड या मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू बक्कड़ ब्रो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया. मैं लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बक्कड़ ब्रो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी होगा एंड बक्कड़ ब्रो का इंस्टाग्राम लिंक भी होगा, उधर भी फॉलो करना. एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.